जो सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम किसान सम्मान निधि, जो कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की, इस पर बात करने जा रहे हैं कि जो गांव हैं उनमें किसान बहुत परेशान हैं। जो तीसरी जो किस्त है ये नहीं पहुंच रही है सबके पास। और जो मैंने इसमें अध्ययन किया है, क्योंकि चूँकि अभी ये ऑनलाइन भी होने लगा है इसका, तो मैंने जो अध्ययन किया उसमें पता चल रहा है कि अगर आधार में आपकी सीडिंग सही नहीं है या आपका नाम जो है उसमें कोई अंतर है आधार के सापेक्ष, तो आपके में पैसा नहीं पहुंचेगा, या आपका अकाउंट नंबर भी गलत हो सकता है, या इनमें कई सारी प्रॉब्लम है जिनको आज हम पूरा दिखाने जा रहे हैं, आपको पूरा समझाएंगे। और इसको वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसको पूरे ध्यान से पूरी तन्मयता से देखें, इससे आपको लाभ होगा और घर बैठे आप अपने सुधार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे पहुँचते हैं, उसके बाद हम इसमें डालेंगे किसान सम्मान निधि। इसके बाद में जो ऊपर pmkisan.gov.in पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये पोर्टल खुलेगा। तो इसमें देखिए, थोड़ा हम जूम करते हैं इसे, और सबसे ऊपर जो हरी लाइन है उसमें लास्ट में जाके किसान कॉर्नर होगा, फार्मर्स कॉर्नर के नाम से दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ब्रैकेट खुलता है। इसमें पहला है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, दूसरा है एडिट आधार डिटेल, और तीसरा है बेनिफिशरी स्टेटस। तो अभी हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि आया क्यों नहीं, कारण क्या था, इसके बारे में हम आपको पहले बताएंगे। तो सबसे पहले बेनिफिशरी स्टेटस हम आपको दिखाते हैं। हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद इस तरीके से खुलेगा। इसमें तीन ऑप्शन दिए हैं, इसको जूम करते हैं, और इसमें दिया है कि आप इसको आधार नंबर से भी चेक कर सकते हो, आप अकाउंट नंबर से भी चेक कर सकते हैं, और आप ये जो मोबाइल नंबर से भी चेक कर सकते हैं, बट आधार नंबर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आधार नंबर से ही हम चेक करते हैं। आधार नंबर हमने क्लिक कर दिया है, और इसमें हम आधार का जो डिटेल है वो हम इसमें भरेंगे। आधार नंबर हमने इसमें डाल दिया, आप गेट डाटा पे क्लिक करते हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो, और ये वीडियो आपके बहुत काम का है, और आप अपनी भी मदद कर सकते हैं, और आपने अपने साथ के जो लोग हैं उनकी भी मदद कर सकते हैं। तो इसमें हम जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि इसमें इनकी दो किस्तें आई हैं। देखिए यूटीआर नंबर दोनों का पड़ा हुआ है, डेट भी दी हुई है। पहली है 8/3/2019, दूसरी है 11/4/2019 को आई है, और तीसरी ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें तीसरा इंस्टॉलमेंट नहीं आया है। तो तीसरे इंस्टॉलमेंट के लिए जब हमने इनको चेक किया तो देखिए, इसमें आपका अकाउंट नंबर भी गलत हो सकता है, और आपका आधार नंबर भी गलत हो सकता है, और जो आपका नाम है वो नाम भी आपके आधार की के साथ होना चाहिए। तो हम देखिए सबसे ऊपर आपको दिखाते हैं, इसमें नाम पड़ा हुआ है कृष्णानंद, ये नाम पड़ा है, लेकिन जब हमने हम इनके आधार से मैच किया तो पता चला कि इनका जो नाम है इसमें स्पेस नहीं है, और इसी कारण से इनका ये रिजेक्ट हुआ है। अब हमें इसका स्पेस को सही करने के लिए हम इसको ऑनलाइन ही सही कर सकते हैं, लेकिन अगर अकाउंट गड़बड़ है तो उसके लिए दूसरे ऑप्शन है, वो हम आपको जल्दी दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो अभी हम इसका नाम सही करना है, तो ये जो नाम है कृष्णानंद अलग अलग दिखाया, इसको एक करना है नाम को, तो हम इसे हमें एडिट करना है, तो हम एडिट में चलते हैं। हम बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद पीएम किसान जीओवी को खोलने के बाद ये हम उसी तरीके से फार्मर्स कॉर्नर खोलेंगे, और इसमें देखिए दूसरे नंबर पर दिया है एडिट आधार डिटेल। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और इससे आप अपने आधार की कोई भी समस्या को घर बैठे ही अपने मोबाइल पर सही कर सकते हो। तो हम आधार डाटा एडिट आधार डिटेल को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से खुलेगा, तो इसमें हम सबसे पहले तो आधार नंबर डालेंगे, हम इसमें आधार नंबर भरेंगे। सावधानी से ये आधार नंबर भर दिया, उसके बाद में ये कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड को भी हमें भरना है। कैप्चा कोड भर दिया है, सर्च सर्च दबाने के बाद देखिए इस तरीके से नीचे खुलेगा। आप गौर से देखें, ये सारा रेफरेंस नंबर और ये सब दिया हुआ है, और नाम भी दिया है, जो भी नाम जो हम गलत बता रहे थे वो नाम अलग अलग है, इसको सही करना है। तो अब हमें आगे एडिट पे जाना है, एडिट को हमने क्लिक किया,
अब हम इसमें नाम का सुधार कर सकते हैं। फार्मर्स नेम जो है इसमें आप अपने आधार के जो आधार है उसी तरीके से जो आधार में लिखा है सेम वही नाम इसमें डालिए। अगर अगर उसमें स्पेस नहीं दिया तो हम इसमें भी स्पेस नहीं देंगे। दोनों नामों को इकट्ठा करके लिखना है। और ये देखिए, हाँ लिख दिया है। अब हमें आगे बढ़ना है, इससे लास्ट में जाते हैं, अपडेट को करते हैं अपडेट। हाँ, ये एक और ऑप्शन है, न्यू आधार नंबर। न्यू आधार नंबर में भी हमको यही डालना है जो हमने अभी डाला है, अपना नंबर जो भी आपने डाला है। उसके बाद में अपडेट क्लिक करें तो ये देखिए ऊपर लिखा है यस आधार, ये सॉरी सक्सेसफुली एंड रिकॉर्ड अपडेट। तो ये आपका सक्सेसफुल दिखा दिया गया है और ये आपका सही हो गया है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतरीन काम लगा होगा, बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैसे करना है इसमें किसी तरीके की कोई समस्या ही नहीं है कि इसमें करना क्या है आपको। हाँ, तो ये इस तरीके से हमने आपको बिल्कुल आधार को आपके जो सही करना बता दिया, नाम आपको कैसे सही करना है। आपका नाम बिल्कुल सही हो चुका है। अब हम आपको जो पहला ऑप्शन रह गया था बहुत ज़रूरी, कि नए कार्ड धारक जो नए किसान हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनका टोटली रिजेक्ट हो गया है, तो वो क्या करें। तो हम फिर बैक चलते हैं उसी अपने जो फार्मर्स कॉर्नर पर चलना है इस तरीके से, फार्मर कॉर्नर पर जाके हमने पहला सबसे ऊपर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। चलिए इसको क्लिक करते हैं। देखिए इसको क्लिक करते ही इस तरीके से लिख के आएगा और सेम वही प्रोसेस जो भी हमने उसमें किया था, पहले आधार डालेंगे उसके बाद में कैप्चा। सावधानी से आधार पूरा डालें, आधार का नंबर, कैप्चा कोड डालने के बाद ये जो दिया हुआ क्लिक हियर टू कंटिन्यू, रिकॉर्ड नॉट फाउंड विद गिवन डिटेल्स, ये लिख के आया है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी सर्च हो रहा है, हाँ देखिए जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता है तो उनका इसी तरीके से लिख के आता है। अब हमको इसमें करना क्या है कि यस दबाना है, यस दबाते हमारे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए इस तरीके से ये खुला है। इसमें एक सबसे बड़ी बात आपके लिए जो मैं बताऊं कि इसमें आपको किसी भी तरीके का स्कैन नहीं कोई कागज़ करना है। आपको हर चीज़ के जो नंबर्स डालने हैं, आधार नंबर हो चाहे अकाउंट नंबर हो, जो भी हमको नंबर डालने हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे ऊपर स्टेट, स्टेट तो आप ये तो सब नॉर्मल हैं, जो भी हमारे एंड्रॉयड चलाते हैं भाई लोग वो सब इन चीज़ों को जानते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, हम ये डिस्ट्रिक्ट आपको बताते जा रहे हैं एक, हाँ सब डिस्ट्रिक्ट आपकी जो तहसील है। हाँ इसके बाद ब्लॉक, हमने ब्लॉक भी क्लिक कर लिया। उसके बाद विलेज, आपका जो भी विलेज हो मतलब आप कहेंगे तो आपको सब नॉलेज होगा, आप यहाँ करेंगे या अपने आप पर्सनली आप कर रहे हो तो आपको भी उसका नॉलेज होगा। आपने ये देखिए क्लिक कर लिया है। अब आपको सबसे पहले आप विलेज भी कर चुके हो, अब आपको फार्मर नेम पे पहुंचना है। कि नेम का नेम देखिएगा पूरी सावधानी से, जैसा आधार में लिखा है सेम वैसा ही आप डालिए। अगर उसमें स्पेस दिया है या स्पेलिंग में जैसा भी चाहे वो बेशक ही स्पेलिंग मिस्टेक हो आधार में, लेकिन आपको डालनी आधार वाली ही है। इसके बाद में आपको जेंडर, जेंडर क्लिक करने के बाद कैटेगरी, कैटेगरी में जो भी है जनरल एससी एसटी तो जनरल जो भी है मतलब तो आप जानते हैं। हाँ ये तीसरा है फार्मर टाइप स्मॉल या अदर, जो एक दो हेक्टेयर से कम है उन्हें स्मॉल और जो उससे ऊपर हैं उनको अदर्स में डालना है। तो ये आप जानते हैं उनसे पता कर लें, जिनका भी करना है अपना खुद का करना है। तो उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे टाइप आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड ही है तो सेम तो ओपन है उसमें। इधर आइडेंटिटी प्रूफ नंबर, ओके ये भी आधार नंबर पड़ा हुआ है। अब आगे चलें आईएफएससी कोड, आईएफएस कोड जो भी आपका बैंक होगा उस बैंक का
एक IFSC कोड होता है जो कि उनका ब्रांच कोड होता है, वो आपको डालना है। देखिए यहाँ पर हम IFSC कोड डाल रहे हैं। ये IFSC कोड डालने के बाद बैंक नेम, जो बैंक है उस बैंक का नाम आपको डालना है, और अकाउंट नंबर आपको इसमें अकाउंट नंबर भी डालना है। अकाउंट नंबर इस तरीके से, अकाउंट नंबर को छिपाया गया है कि ये थोड़ी गोपनीय दस्तावेज होते हैं, इनको हम छिपा रहे हैं, इसलिए आप ये मान लें कि इसको इसमें आपको अकाउंट नंबर डालना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर हो। एड्रेस तो है ही उसमें जो आपका कंटिन्यू आ रहा है। सबमिट ऑफ आधार, ठीक है, इसमें इसमें आपकी आधार को आपको सबमिट करना है। इसके बाद ये है यस आधार, हाँ जी, ये भी आपका सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको मोबाइल नंबर, इसमें जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, चार जगह लगाओ उधर, हाँ, तो अभी जो मोबाइल नंबर मांगा है तो इसमें आपका जो भी मोबाइल आप यूज़ करते हो, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल हो, वो नंबर आपको इसमें डाल देना है। मोबाइल नंबर भी हम छिपा रहे हैं, हाइड किया हुआ है। तो इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी हो, आधार नंबर में हो, जो आधार से ही, या जो आपने मेन चीज़ आधार माना है तो हर चीज़ आपको आधार के हिसाब से ही करनी है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें, कोई भी चीज़ गलत नहीं हो, कोई भी नंबर गलत नहीं होना चाहिए। आप दो दो चार चार बार उसे एक बार चेक करके उसके बाद ही इसको सबमिट करें। हाँ, इसके बाद में पिता का नाम, और अगर लेडीज़ हैं तो उनके हस्बैंड का नाम, तरीके से हो गया है भैया। अब इसमें ऐड दिया हुआ है, इसको ऐड आप दबाएंगे सबसे लास्ट में, ऐड दबाने के बाद देखिए इस तरीके से होगा। अब इसमें जो एक चीज़ रह गई है वो आपका जो खतौनी है, जो खेती के कागज़ होते हैं उनका डाटा रह गया है, तो हम उसको भी भरेंगे। हाँ, तो साथियों इस तरीके से हमने इसमें जो सबसे पहले खाता नंबर दिया हुआ है, उस खाता नंबर में हमने ये डाल दिया है, और उसके बाद में खसरा नंबर जो भी अभी खतौनी में हो वो डालना है, और सबसे लास्ट में एरिया, ठीक है, एरिया डालने, जो कितना एरिया है उस खतौनी में। इसके बाद आप इसको ऐड को क्लिक करेंगे, सॉरी, इसके बाद में आप ये जो इसमें दिया हुआ है डिटेल करेक्टर, इसको जो एक ब्रैकेट बना हुआ है इसको आप ओके कर दें। ओके करने के बाद सेव, सेव में आप बटन दबाएंगे, सेव होने के बाद इसमें ओके, हाँ, तो जैसे सेव सेव दबा दिया आपने, सेव के बाद इस तरीके, देखिए अभी थोड़ा सा आपको बताना था, थोड़ी सी इसकी वेबसाइट में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो ये लास्ट में अभी हो नहीं रहा है, लेकिन इतना करने के बाद ये अपने आप ही अपलोड हो जाएगा और आपका ये सही हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है अगले दो चार घंटे या अगले 24 घंटे में ये ओके हो जाएगी। मैंने आपको पूरा सिस्टम इसका बता दिया है कैसे काम करना है, और ये बहुत ही ज़रूरी था आपको बताना, और ये थोड़ा सा वेबसाइट की दिक्कत है इसलिए लास्ट में मैं, क्योंकि इसके बाद में ये हमारा पूरा अपलोड हो चुका है, और अगर ये सही होता तो अभी ये आपको सामने सक्सेसफुल लिख के आता। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने ये आपको, जो आपको इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो चीज़ मैंने ये बनाई है, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, और आपके कमेंट्स का हम इंतज़ार करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।